दोस्तों, यदि आपकी भी हड्डियों से कटकट की आवाज आती है, यानी कि जब आप चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, तो आपकी हड्डियों से कटकट की आवाज आती है, चाहे आपकी कोहनियों से भी कभी कभी कोहनी से भी आपकी कटकट की आवाज आती होगी। तो दोस्तों, जितने भी जोड़ हैं, अगर आपके उन जोड़ों में से ये कटकट की आवाज आ रही है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये आखिर क्या है, क्या यह कोई बीमारी है, कोई रोग है, या सिर्फ एक वहम है। इस तरह की तमाम जानकारी इस वीडियो में आपको दूंगा, साथ ही बताऊंगा कुछ घरेलू नुस्खे जिसकी मदद से ना केवल आपकी हड्डियों से कटकट की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, बल्कि आपके शरीर में यदि कैल्शियम की कोई भी कमी है, तो वो भी बड़ी ही आसानी से आप बिल्कुल घरेलू चीज़ों से आराम से आप पूरी कर लेंगे। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे लोगों के मैसेजेज आए, मेल आए, जिसमें लोग इस समस्या से पीड़ित हैं, उनकी हड्डियों से कटकट की आवाज़ आती है और वो बहुत ज़्यादा घबराहट में मुझे लगे और वो मुझसे यही पूछ रहे थे कि सर, इसका क्या इलाज है और ये आखिर हड्डियों से कटकट की आवाज़ क्यों आती है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हड्डियों से कटकट की आवाज़ आखिर क्यों आती है। दोस्तों, आपकी हड्डियों से कटकट की आवाज़ आ रही है तो यह एक बीमारी है या नहीं, यह सीधे सीधे आपकी उम्र पर डिपेंड करता है। दोस्तों, यदि किसी बच्चे या फिर किसी जवान किशोर अवस्था वाले युवक या युवती के हड्डी से कटकट की आवाज़ आ रही है, लेकिन यदि आपको उस हड्डी में या उस जोड़ में कोई दर्द या कोई परेशानी नहीं है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं है। युवा अवस्था और बच्चों में के शरीर में वायु की मात्रा जब अधिक हो जाती है, तो उनके जोड़ों में थोड़ा वायु भर जाता है, जिसकी वजह से उनकी हड्डियों से कटकट की आवाज़ आने लग जाती है। दोस्तों, इसको बड़ी ही आसानी से ठीक किया जा सकता है और इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि आपकी हड्डियां कमज़ोर हो गई हैं या फिर आपके शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई है। सिर्फ आपकी जो हड्डियां हैं उनमें वायु अधिक है, जिसकी वजह से जब वो वायु के बबल्स टूटते हैं, तो फिर उन हड्डियों में से कटकट की आवाज़ आती है। दोस्तों, इसको बड़ी ही आसानी से ठीक किया जा सकता है, हम घरेलू नुस्खे की मदद से बड़ी ही आसानी से इसको ठीक कर सकते हैं। अब दोस्तों, यदि आप इस हड्डी से कटकट की आवाज़ को ख़त्म करना चाहते हैं, तो इसका बड़ा ही आसान सा तरीका है। दोस्तों, इसके लिए आपको क्या करना है कि आप ये देख रहे हैं, इसको मेथी दाना बोलते हैं, अंग्रेजी में इसे फेनुग्रीक सीड्स भी बोलते हैं। बड़ी ही आसानी से ये किसी भी पंसारी की दुकान में मिल जाता है, तो आप उनसे मेथी दाना खरीद लें और इस मेथी दाना को एक चम्मच आपको मेथी दाना लेना है और एक कप पानी में रात भर भिगो कर छोड़ देना है। एक कप पानी लें और एक चम्मच मेथी दाना उसमें डाल करके रात भर भिगोकर छोड़ दें। उसके बाद सुबह उठकर खाली पेट इस पानी मेथी पानी का आपको सेवन करना है, साथ ही साथ इस मेथी के दाने को भी चबा चबा कर खा जाना है। दोस्तों, अगर आपको इसका स्वाद पसंद नहीं आए, तो आप उसमें आधा चम्मच शहद भी डाल सकते हैं। जब आप खाने के लिए जब इसका जो मेथी दाना बचेगा उसमें आप आधे चम्मच शहद मिला करके फिर आप इसको चबा चबा कर खा सकते हैं, और ध्यान रहे कि उस मेथी के पानी को भी जरूर पी जाना है। दोस्तों, आप देखेंगे कि इस नुस्खे से आपके हड्डियों से आने वाली कटकट की आवाज़ कुछ ही दिनों में ख़त्म हो जाएगी। अब दोस्तों, बात आती है कि यदि ज़्यादा उम्र वाले व्यक्ति को ये हड्डियों में कटकट की समस्या हो, साथ ही उन्हें हड्डियों में दर्द या किसी प्रकार की परेशानी भी हो, इसके अलावा यदि बच्चे और युवावस्था के लोगों में भी हड्डियों में यदि दर्द और परेशानी हो, तो भी इसका मतलब ये हो सकता है कि आपको कैल्शियम की भी कमी हो गई हो, तो आपको ये मेथी वाला तो उपाय करना ही है। साथ में आपको क्या करना है कि आपको लेना है ये भुना हुआ चना। दोस्तों, नॉर्मल चना मार्केट में मिलता है और भुना हुआ चना भी मिलता है, और आप चाहें तो नॉर्मल चने को अपने घर में भी भून सकते हैं। तो इस भुने हुए चने को गुड़ के साथ आपको सेवन करना है। हर दिन आप ये भुना हुआ चना और थोड़ा सा गुड़, इसका सेवन किया करें। दोस्तों, इन दोनों का सेवन करने से ना केवल आपकी हड्डियों से कटकट की आवाज़ आनी बंद हो जाएगी, बल्कि आपकी हड्डियों में जो कैल्शियम की कमी है वो भी दूर हो जाएगी। तो आपको ये मेथी वाला प्रयोग तो करना ही है, साथ ही साथ ये भुना हुआ चना और गुड़ का भी सेवन करना है। दोस्तों, इसके अलावा कैल्शियम बढ़ाने वाले जितने भी स्रोत हैं, दूध, मक्खन इत्यादि का आप सेवन करें और इसको अच्छे मात्रा में सेवन किया करें, इससे आपके कैल्शियम की कमी बिल्कुल दूर हो जाएगी और आपके हड्डियों से कटकट की आवाज़ आनी कुछ ही दिनों में बंद हो जाएगी।
तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलूंगा अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करें, शेयर करें मित्रों में, और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।